हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज कुशवाहा और आप देख रहे हैं रॉयल फ्रीडिस यूट्यूब चैनल। जी हाँ, आज की वीडियो में लेकर आया हूँ डीडी फ्रीडिस की अपडेट। जी हाँ, डीडी फ्रीडिस जो कि 93 डिग्री पर आता है, सभी लोगों के पास में लगा हुआ रहता है। तो डीडी फ्रीडिस पर कुछ न्यू चैनल ऐड हुए हैं। जी हाँ, न्यू चैनल ऐड हुए हैं डीडी फ्रीडिस पर। तो वो कैसे आएंगे, क्या आएंगे, तो वही मैं आपसे फिर से वही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें तो ही आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। नहीं तो आप कहेंगे भाई, कमेंट्स करके बताते हैं कि भाई आप फेक वीडियो बनाते हैं ऐसा। बल्कि मैं आज तक कभी फेक वीडियो नहीं बनाया है और ना ही बनाऊंगा। तो मैं आपको बता दूं डीडी फ्रीडिस की अपडेट कि उस पर कुछ साउथ इंडिया लैंग्वेज के चैनल ऐड हुए हैं। तो वो जो है वो डीडी फ्रीडिस हमारा 93 पर आता है। तो डीडी फ्रीडिस के साथ ही में 95 डिग्री डिश टीवी का प्लेटफॉर्म भी है। तो वही उसी 95 पर एक सैटेलाइट और है जिसको हम कहते हैं फ्री सेट। श्रीलंका की सैटेलाइट है। जी हाँ, श्रीलंका की सैटेलाइट है फ्री सेट, जिसका नाम है, जिसको SES-12 भी बोलते हैं, SES-12, यानी कि SES-12 भी कहते हैं उसी सैटेलाइट को। तो इस पर चैनल ऐड हुए हैं। जी हाँ, डीडी फ्रीडिस के प्लेटफॉर्म के साथ ही में हमको ये मिल जाता है SES-12, जो कि 95 डिग्री पर आता है। तो उस पर हमको नए चैनल ऐड हुए हैं, जिस पर कुछ नए चैनल हैं। तो वो किस पर आएंगे, पहले तो मैं आपको बता दूं कि MPG-2 सेटअप बॉक्स में बिल्कुल भी नहीं आएंगे। उस पर आपके वही 150 के आसपास ही चैनल मिलते हैं MPG-2 पर। और यदि आपके पास में MPG-4 सेटअप बॉक्स है तो उस पर भी ये आपको केवल आवाज सुनाई देगी, वीडियो नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि ये अल्ट्रा HD चैनल है। जी हाँ, अल्ट्रा HD है, UHD लिख कर रखे आता है। तो अल्ट्रा HD चैनल है, यानी कि 4K वाले चैनल है। जी हाँ, 4K वाले चैनल है। तो ये भी आपको MPG-4 पर नहीं दिखेंगे, केवल ऑडियो सुनाई दे। यदि आपके पास में 4K बॉक्स है, जी हाँ 4K बॉक्स है, तो उस पर ये सपोर्ट करेंगे, उस पर ये चैनल बिल्कुल चलेंगे। जी हाँ, तो मैं आपको बताऊँगा, 4K बॉक्स मेरे पास है तो उस पर मैं आपको बताऊँगा। तो 4K बॉक्स पर ही ये वो चलेंगे। यदि आपके पास में HEVC वाला सेटअप बॉक्स है तो उस पर भी चैनल चलेगा, लेकिन पूरे चैनल नहीं चलेंगे, कुछ चैनल चलेंगे। यदि आपके पास 4K वाला है तो उसमें HEVC सपोर्टेड भी रहता है, MPG-4 भी रहता है, अल्ट्रा HD भी रहते हैं, 4K भी रहता है, सारे रहते हैं। जो 4K वाले बॉक्स होते हैं काफ़ी कॉस्टली होते हैं, लेकिन उस पर ये सारे चैनल आपके चलेंगे। तो वही यही अपडेट मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो वही आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कर देना, जिससे DTS संबंधी नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं समय समय पर आपके लिए इसी प्रकार की वीडियो लाता रहता हूँ। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। और आइए अब हम DTH 95 डिग्री को रिट्यून करके देखते हैं, और मैं आपको बताता हूँ कौन से वो चैनल है और कौन से आपके पास आ रहे हैं। प्लीज़ कमेंट्स करना, लाइक करना, शेयर करना, वीडियो के साथ इसी प्रकार बने रहें और लाइक करना, शेयर करना। ठीक है, मेरा नाम राज है, लोकेशन मेरी नियर एट झांसी उत्तर प्रदेश है। चलो हम चलते हैं सेट ऑफ बॉक्स के पास। देखिएगा दोस्तों, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, स्टारसेट X2 का ये बॉक्स है मेरा, ये 4K बॉक्स है, अल्ट्रा HD नीचे लिखा हुआ है। तो इस पर इसी डिस्प्ले पर चैनल का नाम भी चलता रहता है, ये सिग्नल बार भी बता रहा है, साथ ही साथ हमें क्वालिटी भी बता रहा है। तो ये मेरा स्टारसेट X2 बॉक्स है, 4K बॉक्स है। तो इस पर मैं आपको बताता हूँ, ये सबसे पहले मैं आपको ये देखिएगा, मैं इसको रिट्यून करके बताता हूँ। यहाँ से मैं एंटीना सेटिंग में जाता हूँ। एंटीना सेटिंग में जाने के बाद में यहाँ से मैं इसको पीले बटन से ब्लाइंड स्कैन करता हूँ। ये डीडी फ्रीडिस 95 डिग्री लगा हुआ है, जैसा कि आप दिखाई दे रहा है, और मैं इसको करता हूँ ओके। तो वही आपसे रिक्वेस्ट है भाइयों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और वीडियो के साथ बने रहें, पूरा वीडियो देखा करें, तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। और प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कर लिया करें, और बेल आइकन को जरूर ऑन कर दें, जिससे DTS संबंधी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मेरा नाम राज है, लोकेशन मेरी नियर है झांसी उत्तर प्रदेश है। मैं वीडियो को थोड़ा सा स्किप किए दे रहा हूँ, क्योंकि वीडियो में अभी इसमें बहुत टाइम लगेगा। ये अभी TP स्कैन हो रही हैं। ये TP स्कैन होने के बाद में यहाँ से अब ये देखिएगा, ये चैनल आ रहे हैं डीडी फ्रीडिस के। पहले डीडी फ्रीडिस के चैनल को स्कैन करता है, ये देखिएगा, देखते जाइए, ये HD, ये डीडी फ्रीडिस के आ रहे हैं। ये HIT99 HD, ये अच्छा एक हॉलीवुड का म्यूजिक चैनल है, अच्छा चैनल है ये। और ये एजुसेट, ये सब श्रीलंका की सैटेलाइट है फ्री सेट वाली, उसी के चैनल हैं। कुल हमें 192 चैनल हमको रिसीव हुए हैं। मैं अभी आपको बताता हूँ,
जी थोड़े से दो चैनल और प्राप्त हुए, कुल 194 चैनल हमको रिसीव होंगे। ये एक और आया, 195 चैनल रिसीव। ये देखिएगा, ये चैनल जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, मैथ अल्ट्रा एचडी लिखा हुआ है, ये भी श्रीलंका का है। और ये फ्री सेट, ये स्क्रैम्बल में ये नहीं चलेगा। उसके बाद अथावन, ये देखिएगा अथावन भी चल रहा है, ठीक है ना। ये साउथ इंडिया का चैनल है थोड़ा सा, ये देखिएगा एचडी क्वालिटी है, काफ़ी अच्छी शार्प क्वालिटी है। उसके बाद में ये एजुकेशन का चैनल है, डीपी एजुकेशन, जिस पर एजुकेशन पढ़ाई लिखाई आती रहती है, लेकिन श्रीलंका की लैंग्वेज में आती है। और उसके बाद ये आप देखते जा रहे हैं, ये डीडी फ्रीडेस के आ गए हैं ये। उसके बाद ये हिट्स 99, ये भी अच्छा चैनल है, वो अल्ट्रा एचडी है, काफ़ी अच्छी पिक्चर क्वालिटी है। और जिस पर म्यूजिक चैनल है, जे इस पर ऑस्ट्रेलिया के या कोई हॉलीवुड के पॉप सॉन्ग वगैरह आते रहते हैं, ये डीडी फ्रीडेस के आ गए हैं। तो आई होप आपको समझ। ये मैंने 4K वाले सेलेक्ट कर लिए हैं, शॉर्ट बाई 4K कर लिया, ये देख सकते हैं आप। ये ITV मैथ TV, ये श्रीलंका के ही है। उसके बाद थावन, ये भी श्रीलंका का है। उसके बाद में ये DP एजुकेशन, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, ये इस पर एजुकेशन चैनल है। उसके बाद में इट्स 99, और ये इस पर फ्री सेट लिखा हुआ है। उसके बाद श्रद्धा TV, ये भी, ये देखिएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये बुद्धिस्ट TV, ये भी श्रीलंका का है। उसके बाद ये तरंग HD, ये भी श्रीलंका का है, काफ़ी अच्छी पिक्चर क्वालिटी, बहुत शार्प पिक्चर क्वालिटी है। तो ओके, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। बाकी सब ये डीडी फ्रीडेस के ही हैं, बाकी ये डीडी फ्रीडेस ही है, देख सकते हैं आप। ये डीडी फ्रीडेस के हैं, ये डीडी फ्रीडेस के हैं। ओके दोस्तों, आपसे वही रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कर देना, जिससे DTH संबंधी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम।